नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ पहुंचेंगे और कल 8 अगस्त को आगरा में पार्टी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में सम्मिलित भी होंगे। वहीं जेपी नड्डा आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी की तरफ से आयोजित प्रदेश के नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित कर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। तो बता दें, जैसे जैसे यूपी में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लगातार बीजेपी पार्टी सक्रिय होती नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसीलिए आज से जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे, कई सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। कल आगरा पहुंचेंगे जहां पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को मामूली राहत मिली है। बीते 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 40,020 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जबकि 616 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस में 1951 की कमी आई है। इससे पहले बता दें, बीते 3 दिन से एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो रही थी। रोजाना के केस में सबसे आगे चल रहे केरल में भी शुक्रवार को रोजाना के केस में मामूली गिरावट देखी गई है। यहां 19,948 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, साथ ही 19,480 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जबकि 187 संक्रमितों ने महामारी से दम तोड़ दिया है। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना के मामले दुगने हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कई जिलों में आर वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, और इस वैल्यू का मतलब ये है कि एक मरीज एक व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। साथ ही राज्य में पहले से ही हर दिन करीब 20,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो बता दें, कोरोना के मामले जहां पिछले कई दिनों से बढ़ रहे थे, ऐसे में शुक्रवार को कोरोना के मामलों में मामूली सी गिरावट देखी गई है, और ऐसे में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और जबकि 616 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि जहां केरल में बीते कई दिनों से मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे थे, वहां पे भी शुक्रवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले वकील राम खोबर गड़े पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही याचिका में अनुरोध किया गया था कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया जाए, और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। तो बता दें, याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पीएम और अमित शाह को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, साथ ही लोकसभा चुनाव में 2019 में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भी ये कहा गया था। और इसी के बाद जब सुनवाई हुई हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है, साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है। बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 रहेगा। अनलॉक 5 का प्रावधान शनिवार से लागू हो गया है, यानी कि आज से, और इसके तहत 9वीं और 10वीं के छात्रों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। साथ ही कोचिंग संस्थानों में 50% उपस्थिति के साथ पढ़ाई भी हो सकेगी। अनलॉक 4 की
4 की समय सीमा शुक्रवार को यानी कि कल खत्म हो चुकी थी। ऐसे में अनलॉक 5 में सरकार ने व्यवसायिक और शिक्षण गतिविधियों में बड़ी रियायत दी है। और बता दें, राज्य में अब कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही शनिवार से सभी दुकानें सामान्य तरीके से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें, पहले 8वीं तक के स्कूल भी 16 अगस्त से खुल सकेंगे। खास बात यह है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में प्रत्येक छात्र एक दिन छोड़कर पहुंचेंगे और साथ ही सिनेमा हॉल और मॉल भी शनिवार से खुल सकेंगे। वहीं सिनेमा हॉल में बैठने की 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक खुलेंगे और शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। ये प्रावधान 7 अगस्त से 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक वाहनों पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो बता दें, बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ऐसे में 9वीं से 10वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। साथ ही कोचिंग सेंटर्स भी प्रत्येक हर रोज़ खोलने की इजाज़त दी है। और ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस दी गई है कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन कोचिंग सेंटर्स पर जा सकते हैं। साथ ही सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस को लागू किया गया है और सभी से पालन करने की अपील की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वंदना कटारिया का फॉर्म शानदार रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया का योगदान रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से वंदना को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही धामी ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का विकास करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के कोने कोने में वंदना जैसी प्रतिभा के द्वीप प्रज्वलित हों। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान के लिए किए गए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के निर्णय को भी सराहनीय पहल बताया है और कहा है कि इस निर्णय से सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से हुए मैच के बाद महिला हॉकी टीम खिलाड़ियों को वीडियो कॉल भी किया था और सभी खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में उस समय मौजूद थे। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से कहा था कि आप सभी बहुत अच्छा खेले और पिछले 5-6 सालों से जो पसीना आपने बहाया है वो सभी में जोश भर रहा था। आप जो साधना कर रहे थे, आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपके पसीने ने करोड़ों बेटियों और खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। मैं टीम के सभी सदस्यों और कोच मरीन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा दिन रहा और वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बांधों से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से जारी बारिश के कुछ थमने के बाद भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही IMD ने मध्य प्रदेश के 17 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बता दें, 5 जिलों विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना और अशोकनगर के अलग अलग स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट के तहत 64 से 204 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान में झालावाड़ जिले के एक गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद एक घर की दीवार गिरने से किशोर की मौत हो गई थी, जबकि राज्य के हथौड़ी क्षेत्र में के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और 12 जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तो बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राजस्थान में भी लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार ने खुशी जताई है। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश में वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा खुराक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि टीके सभी लोगों तक पहुंचे और इस जानलेवा महामारी से छुटकारा मिल सके। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि इस अभियान में आपने जो भूमिका निभाई वो प्रशंसनीय है। साथ ही पवार ने कहा कि प्रारंभ में प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख टीकों का उत्पादन किया गया था और आज ये बढ़कर लगभग 40 लाख प्रतिदिन हो गई है। मुझे लगता है कि उत्पादन क्षमता में इस वृद्धि के साथ हम लोगों को और भी बेहतर तरीके से टीकाकरण करने में समक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन के उत्पादन में कमी नहीं आने दी जाएगी। तो बता दें, देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। ऐसे में उत्पादन वैक्सीन का उत्पादन नहीं होने दिया जाएगा, ये कहा जा रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है और हर दिन भारत में कई करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे ये आंकड़ा अब 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। देश भर में मानसूनी बारिश जारी है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत तमाम राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। वैज्ञानिकों ने नदियों के जल स्तर के प्रति और पश्चिम बंगाल में निचले इलाकों में बाढ़ के प्रति सचेत किया है। वहीं उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहा। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बांधों से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से जारी बारिश के कुछ थमने के बाद भारी बारिश का पुनः अनुमान जताया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 3 दिनों तक कहर बरपाने वाली बाढ़ में कई जिंदगियां भी समा गई हैं और जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है बर्बादी का मंजर भी सामने आ रहा है। अब तक प्रशासन ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इनमें शिवपुरी में 11, श्योपुर में 6 और मुरैना में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा भिंड और दतिया में भी बाढ़ की वजह से हुई मौतों की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है और लगातार हो रही बारिश से विदिशा, गुना और अशोकनगर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं गुना जिले में नदी नालों की बाढ़ में 290 गांव घिर गए हैं। साथ ही यहां 16 गांव के 300 लोग बाढ़ से चारों ओर से घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आने से हड़कंप मच गया। दरअसल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार रात एक फोन कॉल आया, जिसमें धमकी दी गई कि 4 स्थानों पर बम रखे गए हैं। मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे जाने की सूचना मिलने के बाद इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जांच में ये कॉल फर्जी निकला। अब पुलिस कॉल करने वाले व्यक्ति और उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं एक अधिकारी ने बताया है, हालांकि अभी तक जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। साथ ही मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष के को शुक्रवार रात को एक फोन कॉल आया था, जिसमें फोन करने वाले शख्स ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर और भायखला दादर रेलवे स्टेशनों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू में स्थित बंगले में बम रखे गए हैं। जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि फोन आने के बाद राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के साथ ही बम निरोधक दस्ता, शवान दस्ता और स्थानीय पुलिसकर्मी इन स्थानों पर पहुंचे और तलाश अभियान शुरू कर दिया था। अभी तक इन स्थानों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल पाया है, लेकिन वहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की तथाकथित खरीद फरोख्त के मामले में रांची पुलिस ने रीमा पर लिए
लगाए गए आरोपियों से दूसरे दिन पूछताछ की है। शुक्रवार को कोतवाली थाने में आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण कुमार महतो से सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने पूछताछ की। बता दें, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने सिर्फ तीन विधायकों का ही नाम लिया और तीन के अलावा किसी भी अन्य विधायक की भूमिका को लेकर इनकार किया है। बता दें, आरोपियों के मुताबिक किसी अन्य विधायक से उनका संपर्क नहीं था और आरोपियों ने पूछताछ में अपने पूर्व के बयानों में कहा कि समर्थन भी किया है। वहीं महाराष्ट्र के नेताओं से अपने संपर्क में की बात भी कबूली है तो और साथ ही रिमांड पर पूछताछ के बाद स्वीकार किए गए बयान और जांच में अब तक आए तथ्यों के आधार पर 15 जुलाई को दिल्ली जाने वाले तीन विधायकों का आरोपी बनना तय है। बता दें, केस में डायरी में नाम सामने आने के बाद पुलिस तीनों विधायकों को 41 CRPC के तहत नोटिस देगी और साथ ही महाराष्ट्र के नेताओं को भी नोटिस भेजकर पक्ष उनका मांगा जाएगा। साथ ही तीन आरोपितों को यह भी बताया गया है कि तीन विधायक जब दिल्ली गए थे और वहां महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी, इस दौरान 1 करोड़ रुपए एडवांस में देने की बात पर नाराज होकर सभी वापस लौट आए थे। उनके लौटने के बाद आरोपित वापस रांची उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे। इस मामले में रिमांड के नाम पर खानापूर्ति भी नजर आ रही है। थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर की अस्थिर सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। जनरल नरवणे ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि युद्ध दोनों सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते हैं बल्कि दो देशों के बीच लड़े जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई जब भारतीय सेना ने ये कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा टकराव बिंदु पर भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। साथ ही जमीनी स्थिति को गतिरोध से पहले की हालत में बहाल कर दिया गया है। वहीं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती के मौके पर उद्घाटन के समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियादी मूल्यों को मजबूत करने, देश की विविध संस्कृति को संरक्षित करने और संकट के समय में इसे प्रेरित करने में मुख्य धारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की। हालांकि थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों को एक ठर्रे पर दिखाने से बचना चाहिए। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा पाया है कि फिल्मों में भारतीय अधिकारियों को तरीके से ढंग से नहीं दिखाया जाता है और किसी भी खूबसूरत नायिका का पिता कोई खड़ूस कर्नल होता है जो सिल्क का गाउन पहनता है और एक हाथ में बोतल लिए होता है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। ये वाकई में मुझे परेशान करता है। साथ ही आज़ादी का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि घिसे पिटे तरीके से किसी समुदाय और चरित्र को दिखाने से परहेज करना चाहिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में लगातार 3 हार झेलने के बाद सभी को चौंकाते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। ये पहला मौका था जब भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में इस मुकाम तक पहुंची थी। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से 2-1 से हारने के बाद महिला टीम कांस्य पदक का प्ले ऑफ मुकाबला भी हार गई थी, जिसके बाद टीम के कोच शर्ट मारिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शर्ट मरिन का कहना है कि टीम के साथ उनकी जिम्मेदारी ओलंपिक खेल में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले तक ही थी। वहीं देश भर में महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन को देख सभी कोच शर्ट मरिन के प्रशिक्षण की प्रशंसा कर रहे हैं। ये उनके कड़े प्रशिक्षण का नतीजा है कि भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। बता दें, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुताबिक 17 उम्मीदवारों ने परीक्षा में 100% हासिल किए हैं और 100% प्राप्त करने वालों में आंध्र प्रदेश के कर्ण लोकेश
दुग्गे नेगी, वेंकट पनीश, अपासला बीरा शिवा और कंचन पल्ली, राहुल नायडू बिहार के, वैभव विशाल राजस्थान के, अंशुल वर्मा दिल्ली की, रुचिर बंसल और प्रवर कटारिया हरियाणा के, हर्ष और अनमोल और कर्नाटक के गौरव दास, तेलंगाना के पोलू लक्ष्मी साई और लोकेश रेड्डी, माधुर आदर्श रेड्डी और वेला वली वैकेंट के अलावा उत्तर प्रदेश के पाल अग्रवाल और अमैया सिंगल शामिल हैं। वहीं एनटीए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कहा है कि महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों जैसे कि कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली और सतारा के 1899 उम्मीदवारों की परीक्षा 3 और 4 अगस्त को आयोजित की गई थी। ये उम्मीदवार 25 से 27 जुलाई को परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे। वहीं एनटीए के मुताबिक जेई मेन परीक्षा के लिए कुल 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था। ये परीक्षा देश और विदेश के 334 शहरों में 915 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बता दें, बहरीन, कोलंबो, दोहा, दुबई, काठमांडू, कुआलालंपुर, लागोस, मस्कट, रियाद, शारजा, सिंगापुर और कुवैत जैसे शहरों में भी इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। साथ ही ये परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू समेत कुल 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य के ग्वालियर, चंबल संभाग सहित कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में 1250 से ज्यादा गांव अभी भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों की जान इस बाढ़ की वजह से जा चुकी है। हजारों लोग अभी भी इस भीषण बाढ़ में फंसे हुए हैं। कई गाँवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई बड़े छोटे पुल पुलिया बह चुके हैं और क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें उखड़ चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, पशु हानि हो चुकी है। लोगों की गृहस्थी का पूरा सामान इस बाढ़ में पानी में बह चुका है। लोगों के आंसू नहीं थम रहे, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश संकट में है और शिवराज सरकार प्रदेश में 7 अगस्त को भव्य तरीके से अन्न महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। राशन दुकानों को गुब्बारे लगाकर भव्य तरीके से होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाकर सजाया जा रहा है। लोगों को निमंत्रण बांटे जा रहे हैं, साथ ही प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। पूरी सरकार इस योजना की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। अभी आवश्यकता है बाढ़ में फंसे हजारों लोगों के जीवन को बचाने का, राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की और आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण की। लेकिन प्रदेश सरकार इस समय पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।